गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्शा का व्लॉग। तो गाइज आपने कल का टीचर्स डे का व्लॉग तो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए टीचर्स डे का पार्ट वन का व्लॉग और पार्ट टू का व्लॉग आज मैं डाल रही हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज मेरे जूनियर्स, हमारी टीचर्स और हमारे बैचमेट करने वाले हैं परफॉर्मेंस। तो ये हैं हमारी जूनियर जो कि आज बहुत ही प्यारा सा मैशअप बना के लाई है। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है मेरे जूनियर ने, माशाल्लाह। अब आ गए हमारे नेक्स्ट जूनियर जो कि टीचर्स के लिए लिखकर आए एक पोएम। मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद। तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तलसुम, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तलसुम, इल्म की शम्मा जलाते हैं हम। इसके बाद गाइज हमारे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट आतिर ने परफॉर्म किया है माजूमी सर का एक्टिंग, मतलब आई मीन एक्टिंग कर रहा था वो माजूमी सर का। लेट्स सी। Today we will learn about manual therapy and joint mobilization. In joint mobilization, we give glide to the joint. I am telling you, sir, great sir, glide. इसमें हम slide देते हैं, पर वो patient के हिसाब से करते हैं, उस्मानी क्या सर तो बस यही पढ़ाते रहते हैं। फिजियोथेरेपी में हम सब कुछ नहीं करता, जो जरूरी है व्हाट टू से पेशेंट की नीड है उसके हिसाब से करता है, एक वो तुम्हारी क्लास में लड़का था, वो कौन था जो बट्टू से सियार है, हाँ अतिरुद्दीन, उसे बोलने के मेरे से आकर के मिले, वो मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ उसको। इसके
बाद गाइस टीचर्स का स्टार्ट हुआ गेम, जिसमें उन्हें चिट मिल रही थी और चिट में जो भी लिखा होगा वो उन्हें करना होगा एक्ट। तो सबसे पहले बारी आ गई जूबिया मैम की, तो देखिए क्या हो रहा है। सौरभ सर को मिला शाहरुख खान की एक्टिंग करने के लिए और सर ने देखे क्या परफॉर्म किया है। To my, I would say surprise, this is for the females, not for the men. वाओ सर, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब बारी आ गई मौजम सर की और इनको देखिए। मौजम सर को मिला था टंग ट्विस्टर। अब बारी आ गई शाहिद सर की और शाहिद सर को देखिए क्या मिला। शाहिद सर को मिला पुष्पा की एक्टिंग करने के लिए, उसका डायलॉग बोलने। अब बारी आ गई शमाला मैम की, हमारी फेवरेट। शमाला मैम को मिला था अपनी लाइफ का सबसे फनीएस्ट मोमेंट शेयर करने। आई थिंक आई वाज इन फोर्थ ईयर, तो पहले क्लास में जो हमारे को जो ना पढ़ाने के लिए, तो वो मुझे लग रहा था कि ये यहीं पे चल रहा है और हम पांच छह बैंक बैठे हुए थे और मैं वहाँ पे जोर जोर से गाने गा रही थी। पांच छह घंटे हम लोग जब तक मैं गाने कंप्लीट कर चुकी थी, हमको सब पता है। उसके बाद बारी आ गई शगुफा मैम की, जिनको मिला था लर्जिंग गेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और देखिए कैसे मैम परफॉर्म करी क्यूटली। बाद हमारी पीएचडी स्कॉलर मैम को मिला था डांस करने के लिए और डांस का कोई भी स्टेप करने के लिए। बाद गाइस अजहर सर एंड मौजम सर में लगी शर्त और आओ देखे किस में कितना है दम। सर हाँ, 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 हाँ,
मुअज्जम सर जीत गए हैं। इसके बाद सूफिया मैम को मिला एक DDLJ का डायलॉग बोलने को। तो गाइस अब बारी है डांस परफॉर्मेंस की, तो लेट्स सी। अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब बारी है हमारे कॉलेज के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट इशांत की परफॉर्मेंस देखने। वाओ इशांत अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब बारी है MBT की परफॉर्मेंस देखने की, तो जॉनी थापा आ चुकी हैं स्टेज पे और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाली हैं गाइस। अमेजिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय जॉनी थापा और इन्होंने MPT की नाक बचा ली। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा इवेंट। और ये गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट हमने अपने टीचर्स को एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट सारे टीचर्स को दिया था और वो लोग बहुत बहुत खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमारा खाने पीने का सेशन शुरू हो गया। कैसे ले रहे हो तुम लोग, शादी में आए हो? मेरे को नहीं मिला।
अरे बच्चों का फर्स्ट जो जा रहा है आज वाले में क्यों। सो गाइस आप देखिए ये जोहरा का बर्थडे और फुल पार्टी चल रही है, फुल ऑन पार्टी। और पार्टी हमने दी है, मतलब डिपार्टमेंट से बात करके हमने करवाई है सेटलमेंट पूरा डिपार्टमेंट। और ये देखो ये माँ, माँ कैसा लगा आपको यहाँ पे जावया का टीचर्स डे? फिरदौस कैसा लगा तुम्हें? तुम तो जामिया से ही हो, तुम्हें तो पता होगा कैसा। यार लेकिन दो साल बाद हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मादम राजा से कैसा लगा आपको? थोड़ा डिफरेंट लगा? क्या अलग लगा वैसे? वहाँ पे होता था सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट, बताओ ना। बहुत सही सेलिब्रेशन, अच्छा था, यहाँ भी अच्छा था, काफी अच्छा था। डेकोरेशन के बारे में कुछ कह सकती हैं आप? बताइए डेकोरेशन के बारे में। ठीक थी डेकोरेशन, ठीक है, थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट बलून ये अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब बहुत मेहनत किया बट इतना। बस ये जो है ना, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा। तू नीचे हो, पॉइंट तो बात हुई थी तो। और जॉनी कैसा लगा आप बताओ, कैसा लगा? एक नंबर। और जॉनी ने तो आज हमारे बीपीटी की नाक बचा ली, शी इज बीइंग द बेस्ट डांसर। हाँ सॉरी, एमपीटी की नाक बचा ली डॉनी ने। डॉनी थैंक यू सो मच। ये देखो ये फैन भी बन गई, जॉनी एक बार और हो जाए, एक और जॉनी वंस मोर, जॉनी वंस मोर। तो मन कर रहा है जॉनी एक बार और हो जाए। फिर दोस्त बाबा दादा ने खा नहीं था, पेट में लिवर इंफेक्शन होगा, हम लोग कचरा इसमें डालना। स्टार्ट करो, 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ोरा, गाइज यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का टीचर्स डे का व्लॉग। और एंड कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपने जूनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। एंड कोविड के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया थर्ड ईयर्स वालों ने, विच वॉज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जामिया वालों ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।